श्री राम के मंदिर निर्माण में उपयोग हो रही सामग्री भी अपने आप में अनूठी है। हर एक सामग्री को पूरी तरह परखने के बाद ही चुना जा रहा है। मंदिर भवन के अनंत जीवन के लिए ही कर्नाटक के खास पत्थरों का चयन किया गया है। सदियों पुराने इन ग्रेनाइट पत्थरों को मंदिर की नींव में लगाया गया है। ये पत्थर इतने मजबूत हैं कि कोई भी भूकंप इनको हिला भी नहीं पाएगा। आइए आपको बताते हैं इन पत्थरों को क्यों मंगाया गया और क्या है इसकी विशेषताएं। सुप्रीम कोर्ट से अयोध्या में श्री राम मंदिर के निर्माण का मार्ग प्रशस्त होने के बाद सबसे पहले भवन की मजबूती पर मंथन किया गया था। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने देश दुनिया के विशेषज्ञों से राय लेकर ऐसे भवन की परिकल्पना तैयार की है जो सदियों तक सुरक्षित रहेगा। अब इस मजबूती के लिए ही सर्वश्रेष्ठ सामग्री का निर्माण के लिए उपयोग हो रहा है। मंदिर के लिए सबसे महत्वपूर्ण इसकी नींव है, जिसको पूरी तरह भूकंपरोधी बनाया गया है। इसके लिए निर्माण समिति ने कर्नाटक पर नजर लगाई। मंदिर की नींव के लिए इस्तेमाल किए गए पत्थरों को कर्नाटक के चिक्कबल्लापुर जिले से लिया गया है। ये पत्थर चिक्कबल्लापुर के बाहरी इलाके गुकानहल्ली और आदि गल्लू बंदे गांव में खदानों से निकाले गए हैं। ट्रस्ट के अनुसार पत्थरों के वजन और बड़े आकार को देखते हुए सड़कों से लाना कठिन था। ग्रेनाइट पत्थरों की ढुलाई के लिए भारतीय कंटेनर निगम और भारतीय रेलवे का सहयोग लिया गया। पत्थरों की ढुलाई के लिए ग्रीन कॉरिडोर बनाया गया, जिसके चबूतरे का निर्माण समय 2 महीना कम हो गया है। पूरा राम मंदिर परिसर भूकंप प्रतिरोधी होगा। भवन को भूकंप रोधी बनाने के लिए 40 फुट गहरी नींव डाली गई है। इसके लिए आए प्रत्येक पत्थर की लंबाई 5 फुट, मोटाई 3 फुट और चौड़ाई 2.75 फुट है। सभी पत्थर ग्रेनाइट ब्लॉक हैं और चट्टाने देश में सबसे कठोर व मजबूत हैं। भूवैज्ञानिकों के अनुसार ये ग्रेनाइट के क्रिस्टलीकरण के कारण बनने वाली कठोर चट्टाने हैं, जो भूकंप के लिए अत्यधिक प्रतिरोधी हैं। ये चट्टाने कम से कम 3 से 3.5 अरब साल पहले बनी हैं। निर्माण से जुड़े विशेषज्ञों के अनुसार चिक्कबल्लापुर से लाए जा रहे पत्थरों का परीक्षण 150 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करके किया गया है। इन पत्थरों को 24 घंटे से अधिक समय तक ठंडे तापमान में उजागर करके भी परीक्षण हुआ है। इससे ये जांचा गया कि अत्यधिक गर्मी या सर्दी में भी ये मजबूत रहेंगे या नहीं।